हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ खंडेलवाल है। आज हमारा टॉपिक है सिलोगिज्म। इससे पहले हमने एक सिलोगिज्म का बेसिक वीडियो बनाया है, अगर आप उस वीडियो को देख सकते हो तो ये पार्ट वन ऑफ सिलोगिज्म चैप्टर है, जिसमें हम सिलोगिज्म की क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस, चार सेट ऑफ क्वेश्चंस डाला गया है सिलोगिज्म का। हम इसमें जो रूल फॉलो करेंगे वो वेन डायग्राम नहीं होगा। हम जो रूल फॉलो करेंगे उसका नाम है 150 मेथड। इसमें क्या है, हम कुछ वैल्यूज सेट करते हैं, जिसके लिए आपको मेरा पिछला वीडियो देखना होगा सिलोगिज्म का, उसके बाद ही आप इस टॉपिक को समझ पाओगे। उससे क्या है, हम क्वेश्चन को ज्यादा ज्यादा 20-30 सेकंड, और बहुत इजी क्वेश्चन रहा तो हम उसे 10 से 15 सेकंड में बना सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। आइए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है। ऊपर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, नीचे कंक्लूजन लिखा हुआ है। आपसे पूछ रहा है कौन सा कंक्लूजन फॉलो होगा, कौन सा नहीं होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ऑल ए इज बी, कह सकते हैं ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सम बी सी, कह सकते हैं ये पॉजिटिव है। समझाने की बात और ये है कि ये देखिए इसको सब्जेक्ट कहते हैं, इसको प्रेडिकेट कहते हैं। इसमें ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, राइट। तो देखिए ये पॉजिटिव पॉजिटिव मिला करके अगर मर्ज करने की जरूरत पड़े तो पॉजिटिव आता है। तो देखिए सम ए इज बी, ऑल ए इज बी, ये इसमें ए बी है, इसमें ए बी है, तो क्या मुझे वो चीज की मर्ज करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ती है। आपको आंसर इसी से करना है, ऑल ए इज बी का, ऑल का सम हमेशा ट्रू होता है। गोल्डन रूल आपको बताया था, ऑल ए इज बी का सम ए इज बी। ऐसे भी देखोगे इसकी वैल्यू 100 होती है, इसकी वैल्यू 50 होती है, इसकी 50, इसकी 50। यहाँ पे 100 रुपया अर्न किया गया है, 50 रुपीज एक्सपेंसेस है, 50 रुपीज अर्न कर रहा है, 50 रुपीज एक्सपेंसेस है, तो ये अलाउड होता है। कहते हैं ये इनकम है, ये एक्सपेंसेस है, तो ये इनकम है 100 इसका, इसका 50। तो अगर अगर इनकम या तो बराबर हो या ग्रेटर देन एक्सपेंस हो तो ये बिजनेस चलता है, अदरवाइज नहीं चलता। ठीक है, तो ये ऑल का सम हो गया है। सम ए सी, ए और सी लाने के लिए मर्ज करना होगा। मर्ज करेंगे तो मर्ज करने के लिए कॉमन ये 50 और ये 50, क्या मर्ज होगा? क्योंकि इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 50, ये मर्ज नहीं होगा। तो ये गलत हो गया, ये पहला वाला सही हो गया। ओके, अब आते हैं सेकंड में। ये स्टेटमेंट नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट नॉलेज के लिए जाना जरूरी है। यहाँ पे है x और z, हमें x और z के बारे में कमेंट करने को बोला है, क्योंकि कोई एक स्टेटमेंट से नहीं निकलेगा, हमें मर्ज करना होगा। बट क्या हम दो स्टेटमेंट को मर्ज कर सकते हैं? दो नेगेटिव मर्ज होता भी है तो दो कंक्लूजन होता है, इसका कुछ नहीं कर सकते, राइट। नो y इज x, अब y और x है, y और x, इसके लिए आपको दो स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही स्टेटमेंट से आप आंसर दे सकते हो। तो no x is y, no x is y का उल्टा no y is x, तीन गोल्डन रूल बताया था उसमें आता है। no a is b का उल्टा no b is a, बिल्कुल सही होता है। ये x है, ये y है, तो x और y का डिफरेंस है x और y, तो x अगर y नहीं है तो y भी x नहीं है, ये वाला सही होता है हमेशा तीन गोल्डन रूल के हिसाब से। वैल्यू सिस्टम से देखो, ये 100 है, ये 100 है, 100 रुपया कमाता है, 100 रुपया खर्च करता है, अलाउड है। ओके, आते हैं थर्ड वाले में। ये आपका तीन स्टेटमेंट है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, तीन स्टेटमेंट, कंक्लूजन दो है। बी से डी, देखते हैं बी डी, बी और डी के लिए आपको दो को मर्ज करना होगा। दो को मर्ज करिएगा तो देखिए एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये वाला एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, राइट, और एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के क्या होता है? नेगेटिव, यहाँ क्या है? पॉजिटिव, ये आपका ऐसे ही रॉन्ग हो जाता है। ये क्या है? सम सी इज एफ, ये रहा C, ये रहा F, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव को मर्ज करते हैं आगे, तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव मर्ज होता है तो ये जो है, देखिए यहाँ पे वैल्यू जो है, ये पॉजिटिव नेगेटिव मर्ज करोगे, ये पॉजिटिव दिया हुआ है, ये पॉजिटिव नहीं है। एक बार नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पढ़ना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव है। ओके, इसमें आते हैं, बन गया, दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं करता। इसमें देखिए डी एफ है, ई एफ है, आपको डी एफ करना है, यानी डी और एफ के लिए मर्ज करना होगा। दो पॉजिटिव स्टेटमेंट मर्ज होगा, होगा, लेकिन क्या मर्ज होकर नेगेटिव बनाएगा? दो पॉजिटिव याद हो, अगर याद है तो दो पॉजिटिव मिला करके आपका हमेशा पॉजिटिव बनाता है, तो ये नेगेटिव है, आप ऐड कर सकते हो। ये देखिए एफ और डी, ये एफ और डी अगेन देखिए, दो पॉजिटिव मिला करके मर्ज करेंगे तो नेगेटिव तो नहीं बनाएगा, करेगा। ये है डी इज एफ, ये डी है, ये एफ है, अगेन आप मर्ज करेंगे दो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ये पॉजिटिव दिया हुआ है। देखिए कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा आपका ई, ई ई कॉमन आ गया, यहाँ पे ई की वैल्यू 100 है, तो मर्ज हो जाएगा। मर्ज करने के बाद यहाँ पे 100 आएगा ही, क्योंकि ऑल है 50 और ये 50,
तो ये डी जो है 50 रुपया अर्न करता है, तो डी सॉरी 100 रुपया अर्न करता है, 100 रुपया एक्सपेंस करता है, अलाउड है। एफ जो है आपका 50 रुपया कमाता है और 50 रुपया यहाँ पे ये खर्च कर रहा है, तो यह क्या ये सही है? देखिए ई कॉमन कर दिया, आपका ये स्टेटमेंट सही है। तो आप बिना वेन डायग्राम बनाए सूत्र को फॉलो करते हो, अगर आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो काफी आसानी से आप इसको बना सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियोस देखने के लिए आपको हमें YouTube पे सब्सक्राइब करना होगा, कंपटीशन ट्रैकर हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है। थैंक यू।